أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. चैप्टर 3 इंटीग्रेशन, आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं वो है पावर रूल. इंटीग्रेशन में उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं. कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 में और कुछ एक्सरसाइज 3.3 में मौजूद हैं. तो आज हम पावर रूल के जो क्वेश्चन हैं, बेहतर ये कि अगर अरेंज हो जाए, क्वेश्चन बन जाए पावर रूल का और 3.2 और 3.3 के दोनों क्वेश्चन मर्ज हो जाए तो बेहतर हो जाए. खैर, हम इसको समझते हैं कि पावर रूल, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ. इवेल्युएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल. डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल में थोड़ा सा फर्क बता दूं कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो तो वो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, और अगर हमारे पास लिमिट्स ना हो इंटीग्रेशन की तो हम उसको इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं. पावर रूल तब तक अप्लाई नहीं हो सकती जब तक उसकी बेस का 7 डेरिवेटिव मल्टीप्लाई ना हो रहा हो. डेरिवेटिव को हम एफ डैश एफ एक्स भी बोलते हैं. जैसे कि यहां पे देखें, ये बेस है, एफ एक्स बेस है, इसकी पावर क्या है, एन है. अब जब तक इस बेस का 7 डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी कि बेस एफ एक्स है, डेरिवेटिव एफ डैश एफ एक्स होता है, पावर एन है, पावर को आपने नहीं देखना. इसके अंदर जो बेस है उसका आपने 7 डेरिवेटिव देखना है कि क्या मौजूद है या नहीं है. एफ डैश एफ एक्स क्या है, ये डेरिवेटिव है. अगर बेस का 7 डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर रूल अप्लाई होती है. पावर रूल क्या होती है, एक पावर हम ऐड करते हैं फंक्शन की, वही पावर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. अब जैसे कि आप यहां पे देखें, 2x प्लस 3 बेस है. अब 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या है, ठीक है, वो मौजूद होना चाहिए साथ. पावर 1/2 है, बेस क्या है, 2x प्लस 3. तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव हमारे पास होना चाहिए. ये हम देख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है. 0 को हम ये लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता. तो डेरिवेटिव 2x 2 हो गया, 3 का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो टोटल डेरिवेटिव उसका 2 है. बेस 2x प्लस 3 है, उसका 7 डेरिवेटिव होना चाहिए. तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव भी मैंने बताया 2 है, वो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया. बेस 2x प्लस 3 है, उसका डेरिवेटिव 2 होना चाहिए था, यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो मैंने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है. और अभी मैंने बताया है कि 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मौजूद है 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव, ये येलो कलर में, इसके अंदर रेड कलर में मैंने लिखा हुआ है 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 है. तो ये 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव मैंने 2 पुट कर दिया. आप यहाँ पे देख सकते हैं बेस है, उसका 7 डेरिवेटिव क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर 1/2 है. अब हमने फार्मूला क्या पढ़ा था कि बेस का अगर 7 डेरिवेटिव मौजूद हो, बेस एफ एक्स है, पावर एन है, उसका 7 डेरिवेटिव अगर मौजूद है तो फंक्शन की पावर एन थी, तो एक पावर ऐड हो जाएगी, एन प्लस 1 हो जाएगी, और डिवाइड भी वही पावर हो जाएगी, एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब बाद लोग इसका एक शॉर्टकट बताते हैं, वो शॉर्टकट यहाँ पे तो चल जाएगा एक दो क्वेश्चन में, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज 3.3 के अंदर, 3.4 के अंदर, 3.6 के अंदर, वहां पे फिर आपको प्रॉब्लम होगा. तो बेहतर नहीं है कि हम शॉर्टकट के बजाय एक जो चीज है
जो कि हर जगह अप्लाई हो, हम उस चीज को क्यों ना स्टडी करें। अब पहले क्वेश्चन में मैं फोकस कर रहा हूं बार बार कि बेस एफ एक्स एक्स की पावर एन है, बेस का सारा डाटा मौजूद होना चाहिए। इस चीज को मैं बार बार फोकस करूं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला समय आ गया तो बाकी अगले क्वेश्चन भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब यहां पे देखें 2x प्लस 3 बेस थी, ठीक है, इसका साथ डेरिवेटिव डी बाई डी डेरिवेटिव होता है, साथ मल्टीप्लायर है, तो एक पावर हमने ऐड करनी है n प्लस 1 और वही पावर हमने नीचे लिखनी है। अब यहां पे n आपका क्या है, 1 बाय 2 है, तो देख सकते हैं 1 बाय 2 में 1 ऐड कर दिया है, वही पावर हमने नीचे भी लिख दी है, ये 1 बाय 2 साथ हमने लिखना है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये देख सकते हैं जब इंटीग्रेशन खत्म होती है तो हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड कर देते हैं। 1 बाय 2 प्लस 1 3 बाय 2 होता है, ये भी 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 पावर भी 3 बाय 2 ही आ जाएगी, तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 की पावर 3 बाय 2 और डिवाइड बाय 3 आपके पास बच जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये पहला क्वेश्चन हमने पावर रूल का सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है, इसको भी हम जरा देख लेते हैं। इवैल्यूएट, हमारे पास यहाँ पे लिखा इंटीग्रल है, इसी को इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले ये देखें स्केयर रूट एक्स प्लस ए है, स्केयर रूट के अंदर अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रियल नंबर आपका आंसर आएगा। एक्स प्लस बी आपके स्केयर रूट में ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। खैर ये कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, बच्चा इसको देख के परेशान हो जाता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो ये बताना चाह रहा है कि x प्लस ए पॉजिटिव है और x प्लस बी भी पॉजिटिव है, अगर x प्लस ए नेगेटिव हो जाएगा तो ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अंडरूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो आयोटा हो जाता है, आयोटा कम्प्लेक्स नंबर होता है। यहाँ पे हम क्योंकि रियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं रियल नंबर की, तो अंडरूट के अंदर जो वैल्यू वो पॉजिटिव होना चाहिए, सिर्फ ये बताना चाह रहा है, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। अब आपके पास दो के रूट्स हैं, पहले भी आपने एक क्वेश्चन देखा था उसमें स्केयर रूट एक था, ठीक है, अब यहाँ पे दो स्केयर रूट आपको नजर आ रहे हैं और उनके दरमियान में एडिशन का साइन है। अब हमने न्यूमिरेटर में इनको स्केयर रूट्स को लेके आना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी दोनों स्केयर रूट हैं, इनको हमने ऊपर लेके आना है, ठीक है, मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाता हूँ। तो रैशनलाइज के लिए हमने क्या करना होता है, सेंटर में प्लस का साइन है, माइनस का साइन हमने लगा के मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। सेंटर में प्लस का साइन है, एक्स प्लस ए का अंडर रूट और एक्स प्लस बी का अंडर रूट हमने उसी तरह लिखना है, सेंटर में नेगेटिव का साइन लगाएंगे, अगर पॉजिटिव का साइन और नेगेटिव का साइन लगाना होता है, और इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करते हैं और इसी वैल्यू से डिवाइड भी कर देते हैं। अब अगर हम ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, dx को हम यहां पे लिख दें और अंडर रूट x प्लस ए माइनस अंडर रूट x प्लस बी को अगर हम इस साइड पे लिख दें, प्रॉब्लम नहीं है, और जब भी रैशनलाइज करेंगे x प्लस ए अंडर रूट, ये भी x प्लस ए अंडर रूट है, ये a हो गया, x प्लस बी अंडर रूट, ये भी x प्लस बी अंडर रूट है, ये b हो गया, तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये आपका क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस ए है, तो ए का स्केयर अंडर रूट एक्स प्लस ए का स्केयर बन गया। बी आपका क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस बी है, तो बी का स्केयर अंडर रूट एक्स प्लस बी का स्केयर बन गया। अब यहां पे आप देखें स्केयर रूट और कैंसिल हो जाएंगे, स्केयर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी आपके पास एज इट इज आ गया, इंटीग्रल का साइन और डीएक्स ये साथ साथ चलते रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, स्केयर रूट कैंसिल हो गए, एक्स प्लस ए आपके पास बच जाएगा, स्केयर और रूट कैंसिल हो गए तो एक्स प्लस बी बच गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं अंडर रूट का मतलब पावर 1 बाय 2 होती है, तो हमने पावर यहाँ पे 1 बाय 2 लिख दिए, ये भी स्केयर रूट था एक्स प्लस बी का, तो इसकी पावर 1 बाय 2 होगी, अंडर रूट का मतलब पावर 1 बाय 2 होता है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स प्लस ए हमने एज इट इज लिखा है, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स प्लस बी के बाहर माइनस का साइन है, तो x का भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, b का साइन प्लस था वो भी माइनस में हो गया। अब आप देखते हैं प्लस x माइनस x कट जाता है, a माइनस b आपके पास बच जाता है,
कोई भी नंबर ऑफ कोफिशिएंट को हम इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं, तो ये आपने क्या किया a माइनस बी उसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया। अब आप अगर देखते हैं x प्लस ए की पावर 1 बाय 2 माइनस x प्लस बी पावर 1 बाय 2, ये हमने एज इट इज लिख देना है, इंटीग्रल का साइन और dx ये साथ साथ चलते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाते हैं, ये वही स्टेप मैंने रिपीट किया है, ठीक है। अब अगर इस स्टेप को मैं रिपीट न करता तो आपको बात समझ में नहीं आनी थी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज के साथ इंटीग्रल का साइन लगाते हैं, x प्लस ए पावर 1 बाय 2 के साथ भी इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रल के साइन के साथ dx लाजमी है। मैं आपको ये कहूं कि इंटीग्रल का साइन और dx एक दूसरे के लिए जरूरी है तो ये बात आसान हो जाएगी। इंटीग्रल का साइन हमने x प्लस बी और 1 बाय 2 के साथ भी लगाना है और dx मैंने कहा था इंटीग्रल के लिए साथ जरूरी है, दोनों एक दूसरे के लिए। सेंटर में नेगेटिव साइन आ गया, a माइनस बी कोफिशिएंट है वो इंटीग्रल से हम बाहर लिखेंगे। यहां पे आप देखें बेस x प्लस ए है तो डेरिवेटिव x प्लस ए गया 1 है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है और एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होगा, इसी तरह डेरिवेटिव x 1 होगा और b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो 0 हम लिखे ना लिखे, x प्लस ए का डेरिवेटिव 1 हो गया और x प्लस बी का भी डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब 1 लिखना जरूरी नहीं होता, अगर यहां पे हम 1 लिख भी देते हैं, ठीक है, x प्लस ए का भी डेरिवेटिव 1 है और x प्लस बी का भी डेरिवेटिव 1 है, अगर हम यहां साथ 1 को मल्टीप्लाई भी कर भी देते हैं तो 1 x प्लस ए का भी डेरिवेटिव और 1 x प्लस बी का भी डेरिवेटिव है, तो बेस आपकी x प्लस ए है उसका साथ डेरिवेटिव 1 मौजूद है, 1 लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अल्लाह एक है, बताने की जरूरत नहीं है। x प्लस बी का भी डेरिवेटिव 1 है, बेस x प्लस बी है उसका डेरिवेटिव साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर बेस का साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो एफ ऑफ एक्स पावर एन साथ एफ डैश ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करते हैं एफ एक्स की पावर एन प्लस 1 और वही पावर क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम यहां पे क्या करते हैं, बेस आपकी एक्स प्लस ए थी उसकी पावर 1 बाय 2 थी, उसमें एक पावर ऐड होगी और वही पावर हमने एन प्लस 1 जो पावर होती है उसको हमने डिवाइजर में भी एज इट इज लिखना होता है। इसी तरह x प्लस बी की पावर 1 बाय 2 थी, एक पावर उसमें ऐड कर दी यानी कि 1 बाय 2 प्लस 1 और वही पावर हमने नीचे लिख देनी है। जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम साथ ऐड करते हैं, 1 बाय 2 प्लस 1 3 बाय 2 होता है, ये भी 1 बाय 2 प्लस 1 3 बाय 2 आ गया, ये भी 3 बाय 2 है और ये भी 3 बाय 2 है 1 बाय 2 प्लस 1 क्योंकि दोनों है पावर में भी और डिवाइजर में भी, सिर्फ हमने पावर को ऐड किया। एक्स प्लस बी आपकी जो बेस है वो उसी तरह ही आएगी, एक्स प्लस बी आपकी बेस थी 1 बाय 2 प्लस 1 3 बाय 2 पावर आ जाएगी और ये जो डिवाइजर में 1 बाय 2 प्लस 1 था ये 3 बाय 2 आ गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने एज इट इज लगा देना है। अब यहां पे आप देखें ये 3 बाय 2 है, जब ये फ्रैक्शन में अगर मतलब डबल फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही हो तो इसको हम ऊपर ले आते हैं, 3 बाय 2 जब ऊपर आएगा तो 2 बाय 3 हो जाएगा, ठीक है, इसको मैंने कॉमन भी ले लिया, 3 बाय 2 ऊपर आके 2 बाय 3 हो जाएगा, इसको मैंने ये दोनों वैल्यूज में क्योंकि कॉमन आपको नजर आ रहा है इसको मैंने कॉमन बाहर लिख दिया, एक्स प्लस ए की पावर 3 बाय 2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3 बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 के अंदर, यहां पे भी पावर रूल अप्लाई और इवैल्यूएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल। अच्छा, अभी मैंने नोटेशन पहले एफ डैश ऑफ एक्स लिखी थी तो जरूरी नहीं है, मतलब नोटेशन इसकी डेरिवेटिव की डिफरेंट नोटेशन है, तो यहां पे मैंने एफ डैश ऑफ एक्स की बजाय डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा। मैं बेसिकली एक नोटेशन भी समझाना चाहता हूं, एफ एक्स फंक्शन है उसकी पावर एन है
तो वही बात है कि पावर एक ऐड होगी फंक्शन की, जो बेस होगी उसकी, बेस आपकी एफ एफ एक्स है, तो उसकी पावर एन थी, इसमें एक पावर ऐड हो जाएगी और वही पावर हम डिवाइड कर देते हैं, वही फॉर्मूला है, सिर्फ मैंने एफ डैश एफ एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एफ एक्स लिखा है, नोटेशन एक दूसरी समझाना चाह रहा था। क्वेश्चन माइनस टू एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे बुक में डी एक्स नहीं लिखा हुआ था, मैंने भी मिस्टेक उसको कर दी। तो क्वेश्चन था माइनस टू एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल के साइन के साथ डी एक्स जरूरी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फोर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब पावर वन बाय टू होती है, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर ले आते हैं, 4 माइनस एक्स के ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब पावर 1 बाय 2 है। अगर हम इस फंक्शन को 4 माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके आएंगे, पावर माइनस 1 बाय 2 ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस 1 बाय 2। अगर नीचे पावर नेगेटिव हो तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाती है, अगर नीचे पॉजिटिव हो तो ऊपर आके नेगेटिव हो जाती है, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि पावर 1 बाय 2 थी नीचे, ऊपर आई तो पावर क्या होगी, माइनस होगी, और ये जो माइनस टू एक्स था पहले से यहाँ पे मौजूद था, इंटीग्रल का साइन और डीएक्स दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। अब देखें 4 माइनस एक्स स्क्वायर आपकी बेस है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 4 क्या होता है, जीरो, कॉन्स्टेंट कोई भी उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, साथ माइनस भी है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का जो टोटल डेरिवेटिव है वो माइनस टू एक्स मौजूद है, ठीक है। ये देखें डेरिवेटिव ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने हाईलाइट किया है, डेरिवेटिव ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस टू एक्स है, क्योंकि 4 का डेरिवेटिव 0 है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, साथ माइनस भी है। अब यहां पे ऑलरेडी फंक्शन जो था उसकी बेस जो थी, यानी कि बेस 4 माइनस एक्स की थी, उसका डेरिवेटिव माइनस टू एक्स मौजूद था, मैंने इसको यहाँ पे प्रैक्टिकली लिख के बता दिया कि 4 माइनस एक्स की बेस है, उसका डेरिवेटिव माइनस टू एक्स है। अब पावर रूल अप्लाई करेंगे तो बेस ये है 4 माइनस एक्स की, इसका डेरिवेटिव 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा उसकी पावर हमारे पास जो भी होगी इसमें पावर 1 ऐड कर देंगे, माइनस 1 बाय 2 में पावर 1 ऐड होगी, वही पावर हमने नीचे लिखनी होती है। ये आप देख सकते हैं फंक्शन की बेस एफ एक्स थी, उसकी पावर पहले एन थी, एन प्लस वन होगी, एक पावर हमने पावर में इंक्रीज की, सेम पावर हमने डिवाइड कर दी, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। माइनस वन बाय टू में वन ऐड हो गया पावर में भी, और वही पावर हमने नीचे लिखी, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 4 माइनस एक्स के माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 कितना होता है, 1 बाय 2 हो जाता है, माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 1 बाय 2 हो जाता है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो 1 बाय 2 है इसको अगर हम ऊपर लेके आएंगे ये 2 बन जाएगा, रेसिप्रोकल 1 बाय 2 का मतलब किसी वैल्यू को अगर हम डिवाइड करते हैं 1 के नीचे कोई वैल्यू हो जाए, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल लिया था, 1 के नीचे 1 बाय 2 है तो 1 बाय 2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय 2 थी, तो अगर पावर 1 बाय 2 तो हम अंडर रूट लगा सकते हैं, अगर अंडर रूट का मतलब पावर 1 बाय 2 होता है ना, तो 1 बाय 2 पावर हो तो हम अंडर रूट लगा सकते हैं, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमने इंटीग्रेशन के अंदर पावर रूल का एक और क्वेश्चन हमने अभी समझाया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही रूल अप्लाई हो रहा है, पावर रूल, हम इसको स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे देखें x प्लस बी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c पावर 1 बाय 2 है। अच्छा, अब इंटीग्रल है x प्लस बी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c पावर 1 बाय 2 का। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c पावर 1 बाय 2 हमारे पास लिखी हुई है। अगर हम इसको ऊपर लेके आते हैं किसी भी फंक्शन को, भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी समझाया था, अगर फंक्शन की पावर नीचे 1 बाय 2 है, ऊपर आगे पावर क्या हो जाएगी, माइनस 1 बाय 2, उस पावर का
साइन चेंज हो जाता है। एक्स प्लस बी आपके पास पहले से मौजूद था, उसको मैंने एज इट इज साथ लिखा है, और मैंने यहां पे ना मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग में टू भी लिखा है। टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों कर रहा हूं, अब इसकी रीजन आपको बता भी देता हूं। टू को मैंने ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो टू एक्स प्लस टू भी बन जाएगा। अभी मैंने पावर रूल बताई थी कि बेस आपकी एफ ऑफ एक्स है, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, यानी कि बेस एफ ऑफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव होता है, साथ मल्टीप्लाई हो तो पावर रूल अप्लाई होती है। पावर रूल का फॉर्मूला फिर बता देता हूँ, एक पावर एड करते हैं, पावर एन थी एक, उसमें एड होगी एन प्लस वन, और वही पावर हमने नीचे लिख दी। अब फंक्शन आपके पास एफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी था, ये माइनस वन बाई टू तो पावर है ना, ये आपके पास एफ एक्स है। अगर हम इसके फॉर्मूले के साथ कंपेयर करते हैं, अब अगर हम इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं, देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स होता है, टू बी एक्स का डेरिवेटिव टू बी होता है, कॉन्स्टेंट सी है उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, टू बी एक्स का डेरिवेटिव टू बी, सी का डेरिवेटिव जीरो, 2x प्लस टू भी इसका डेरिवेटिव बनता है। 2 यहां से मैंने कॉमन ले लिया, खैर ना भी लें कोई मसला नहीं है। तो ये 2x प्लस टू भी ये किसका डेरिवेटिव है, एक्स के प्लस टू बी एक्स प्लस सी का, ठीक है। मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं, एक्स केयर का डेरिवेटिव 2x, 2bx का डेरिवेटिव 2b, c कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो, जीरो के लिखने की जरूरत नहीं होती, 2x प्लस टू बी प्लस जीरो टू एक्स प्लस टू बी होता है। तो ये देख सकते हैं ये बेस है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, डी बाई डी का मतलब डेरिवेटिव, देख सकते हैं कि बेस आपकी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस सी है। तो फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी था, उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, ये पावर माइनस वन बाय टू है, उसमें एक पावर ऐड कर देंगे माइनस वन बाय टू प्लस वन, और वही पावर हमने नीचे लिख देनी है माइनस वन बाय टू प्लस वन। और जब इंटीग्रल का साइन खत्म हो जाएगा, इंटीग्रल के साइन और डीएक्स आपस में एक दूसरे के लिए जरूरी है, जब ये साइन इंटीग्रल का खत्म होगा डीएक्स भी साथ खत्म हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाता है। माइनस वन बाय टू प्लस वन वन बाय टू होता है, माइनस वन बाय टू प्लस वन वन बाय टू होता है। जो आपके पास फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स टू बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी, ये रिपीट होगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हमने एज इट इज लिखना है, ये टू और टू कट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी पावर वन बाय टू है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, अंडर रूट का मतलब पावर वन बाय टू होती है, अगर पावर वन बाय टू तो हम अंडर रूट में इसको लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी को मैंने अंडर रूट में लिख दिया, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब पावर रूल का एक और क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सरसाइज 3.3 के अंदर। आपके पास एक क्वेश्चन है, कॉस ऑफ एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टू मल्टीप्लाई बाई थ्री सिक्स होता है, थ्री मल्टीप्लाई बाई टू भी सिक्स ही होता है, यानी कि अगर दोनों में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स को मैंने इस साइड पे लिख दिया है और कॉस एक्स को मैंने इस साइड पे लिख दिया है, और ये जो साइन एक्स डिवाइड हो रहा था वो वहीं पे मौजूद है, वैल्यूज को इंटरचेंज किया है। नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रल पॉसिबल ही है, नेचुरल लॉग के अंदर कोई भी फंक्शन हो उसका इंटीग्रल का हमारे पास फॉर्मूला ही मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, ठीक है। नेचुरल लॉग का इंटीग्रल होता ही नहीं, कोई भी नेचुरल लॉग के अंदर फंक्शन आ जाए तो नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स का, क्योंकि इंटीग्रल मौजूद ही नहीं है, फॉर्मूला ही नहीं है, तो हम इसका डेरिवेटिव देखेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था, हमारे पास जो भी फंक्शन हो, जैसे हमारे पास फंक्शन साइन एक्स है, ये वन ओवर की फॉर्म में लिखा जाएगा और साइन एक्स का साथ डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स का मतलब है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव भी देखने के इंटीग्रेशन के लिए साथ जरूरी है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव दोबारा बताता हूँ, फंक्शन वन ओवर की फॉर्म में, फंक्शन साइन एक्स था, वन ओवर साइन एक्स हो गया और डेरिवेटिव साइन एक्स साथ मल्टीप्लाई हो गया,
साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है 1 ओवर साइन एक्स, हमने एज इट इज लिख देना है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स हमने एज इट इज लिखना है। कॉस एफ एक्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कॉस एफ एक्स आ जाता है, और ये साइन एक्स डिवाइड हो रहा था वो साथ हमारे पास आ जाएगा। अब अगर आप देखें कॉस एफ एक्स ओवर साइन एक्स, ये भी कॉस एफ एक्स ओवर साइन एक्स है, ठीक है, दोनों मैंने आपके सामने लिखे हुए। तो कॉस एफ एक्स ओवर साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, डी बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव है, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव है। कॉस एफ एक्स ओवर साइन एक्स बराबर है डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स के, तो मैं कॉस एफ एक्स ओवर साइन एक्स की जगह पे डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स यहाँ पे लिख रहा हूं। कॉस एफ एक्स ओवर साइन एक्स की जगह पे डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स लिखा है, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब किसी की कोई भी पावर ना हो तो पावर 1 होती है, जैसे अल्लाह एक है मैं बार बार बताता होता हूँ, तो बताना जरूरी नहीं है। फंक्शन आपका एफ एक्स था, ये फंक्शन आपका नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स है, ये फंक्शन का साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तो ये फंक्शन था ये साथ इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसकी पावर कुछ भी ना लिखी हो तो 1 होती है, हमने एक पावर ऐड कर दी, 1 में 1 ऐड किया 2, जो पावर होती है वही हम नीचे डिवाइड कर देते हैं। जब इंटीग्रल और डीएक्स दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है, जब इंटीग्रल खत्म होता है तो साथ डीएक्स भी खत्म हो जाता है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी पावर रूल ही अप्लाई हो रहा है, एक्सरसाइज 3.3 का ये क्वेश्चन है। अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस 3 है और उसके ऊपर एक्स प्लस 2 मौजूद है, इसका इंटीग्रल हमने सॉल्व करना है। बहुत सारे मेथड हैं, बाद लोग क्या कहते हैं जी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सारे सॉल्व कराते हैं, तो सब्स्टिट्यूट अगर भूल जाए, किसी और को सब्स्टिट्यूट करना हो जो सपोज करना है, सपोजिशन आपने गलत कर दी तो आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। एक्स प्लस 3 क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडरवुड के अंदर मौजूद है, तो मैं ये चाहूंगा कि ये एक्स प्लस 2 है ये भी एक्स प्लस 3 बन जाए। क्यों चाह रहा हूं कि मेरे पास दो टर्म्स आ जाए, ठीक है, आपके सामने एक टर्म ये और एक टर्म ये, उसकी इंटीग्रेशन ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। मैं एलसीएम ब्रेक करना चाहता हूँ, मैं आपको इसी अल्फाज में सिंपल अल्फाज में बता दूं, यहाँ पे क्योंकि x प्लस 3 था, मैं चाहता हूँ कि ये भी x प्लस 2 जो है वो ये भी x प्लस 3 बन जाए, तो 3 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो 2 होता है, तो 2 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, 3 माइनस 1 लिख दिया, 2 की जगह पे मैंने 3 माइनस 1 लिखा क्योंकि 3 माइनस 1 2 होता है। अच्छा ये मैंने लिखा क्योंकि मैंने नीचे क्योंकि x प्लस 3 है तो ये ऊपर भी x प्लस 3 में बना दूं और एलसीएम ब्रेक कर दूं। एलसीएम ब्रेक का मतलब होता है कि इस वैल्यू के नीचे भी x प्लस 3 के नीचे भी अंडर रूट x प्लस 3 लिख दूं और इस वैल्यू के नीचे भी जो आपका डिवाइजर है वो x प्लस 3 अंडर रूट के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। सेंटर में माइनस का साइन था, हमने माइनस का साइन ही लगाया, इंटीग्रल के साइन के साथ dx जरूरी है, जब तक इंटीग्रल का साइन होगा साथ dx हम लिखते रहेंगे। किसी की कोई पावर ना लिखी हो तो 1 होती है, अंडर रूट का मतलब पावर 1 बाय 2 होती है, जब ये पावर ऊपर जाएगी 1 में से 1 बाय 2 माइनस हो जाएगी पावर। पावर कुछ भी ना लिखी हो तो 1 होती है, ये पावर 1 बाय 2 अंडर रूट का मतलब पावर 1 बाय 2 होती है, ऊपर जब ये जाएगी पावर x प्लस 3 की तो ये 1 बाय 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। सिमिलरली x प्लस 3 के ऊपर अंडर रूट था यानी कि पावर 1 बाय 2 थी, ऊपर आके पावर x प्लस 3 की माइनस 1 बाय 2 आपके पास हो चुकी है। इंटीग्रल का साइन और डी साथ हम लगाते रहेंगे। अब हम क्या करते हैं, बेस x प्लस 3 है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो टोटल डेरिवेटिव इसका 1 आ गया। जैसे कि इससे पहले भी क्वेश्चन में मैंने बताया था बेस x प्लस 3 है उसका डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो 1 हम साथ लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 में से 1 बाय 2 माइनस होकर 1 बाय 2 हो गया था, माइनस 1 बाय 2 ही हमने पावर को एज इट इज लिखा है। इंटीग्रल का साइन मैंने ये देख लें x प्लस 3 के साथ भी लिखा है, 1 में से 1 बाय 2 साथ पावर माइनस भी कर दिए, 1 में से 1 बाय 2 माइनस होके 1 बाय 2 हो जाएगी। एक तो मैंने इंटीग्रल भी साथ x प्लस 3 की साथ लगा दी और साथ इसकी पावर भी सॉल्व कर ली, इसके साथ भी मैंने इंटीग्रल का साइन लगाया, पावर इसकी वही साथ मैंने एज इट इज लिख दी है। बेस एक्स प्लस 3 है उसका डेरिवेटिव मैंने पहले बता दी कि इसका डेरिवेटिव 1 है,
तो 1 अगर हम 7 मल्टीप्लाई कर दें फर्क नहीं पड़ता, 1 लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह एक है, बताने की जरूरत नहीं है। अब बेस x प्लस 3 है, उसका 7 डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने 1/2 पावर थी उसमें एक पावर ऐड कर दी, सेम पावर हमने डिवाइड। अब इसी तरह x प्लस 3 यहाँ आपके पास बेस है, इसका डेरिवेटिव 7/1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 हम लिखें या ना लिखें, पावर इसकी -1/2 थी उसमें एक पावर ऐड होगी, वही पावर हमने नीचे लिख दी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब x प्लस 3 बेस थी वो हमने एज इट इज लिखी, 1/2 + 1 3/2 होती है, 1/2 + 1 3/2 के पास आ जाएगा। x प्लस 3 बेस है, सेंटर में माइनस का साइन मौजूद था, -1/2 में 1 ऐड किया, पावर 1/2 बन जाएगी, और ये भी -1/2 + 1 1/2 बन जाएगा। जब इंटीग्रल का साइन खत्म होता है dx भी खत्म हो जाता है, जब लास्ट इंटीग्रल का साइन खत्म हो तो प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाता है। ये 3/2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके 2/3 बन जाएगा, और पावर 3/2 थी x प्लस 3 की, वो हमने एज इट इज लिख देना है। ये 1/2 था, ऊपर आके 2 बन जाएगा, x प्लस 3 की पावर 1/2 थी, पावर 1/2 तो हम रूट लगा सकते हैं प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छी वीडियोस आपको आसान वीडियोस मिले, मैथमेटिक्स आसान समझना चाहते हैं, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी अगर आप इसको शेयर कर देंगे तो आप भी इसमें अपना हिस्सा डाल लेंगे, तो अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लोगों को बताएं कि मैथमेटिक्स आसान है, मुश्किल नहीं है।